हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं स्प्लिट एसी के कुछ ट्रबल शूट फाइंड करने के बारे में। हमें कंप्लेन मिला है एसी ठंडा नहीं करता है रूम में। आउटडोर पर आकर चेक किया तो एसी चल रहा है, कंडेंसर फैन चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, नॉर्मल सब चल रहा है, बट सक्शन प्रेशर हमने सक्शन पाइप जो हमने पकड़ के देखा ये चिल्ड नहीं है। जो रिटर्न पाइप है ठंडा नहीं है, लिक्विड प्रेशर भी जो है नॉर्मल ही है। तो एक कंडीशन में रहता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा? आप वीडियो यूज़ करके कमेंट में राय अपना जरूर दीजिए। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम है, ठंडा नहीं करता है, सब कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले इसमें मैं गेज लगा करके गैस चेक करना चाहिए। देख सकते रहेंगे यहाँ से हमने जो है दोनों ये बहुत एसी में सिर्फ हमारा सक्शन पाइप ही रहता है खोलने के लिए, बट इसमें जो है लिक्विड प्रेशर और सक्शन प्रेशर दोनों हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें दोनों हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे सक्शन प्रेशर पे गेज लगाते हैं, सक्शन पाइप पे गेज लगा करके देखते हैं कितना प्रेशर शो कर रहा है। यहाँ पर हमने लगाया तो देख सकते रहेंगे प्रेशर तो ज़्यादा दिखा रहा है सक्शन प्रेशर। उसके बाद हम लिक्विड प्रेशर भी देखते हैं, लिक्विड प्रेशर हमारा कितना दिखा रहा है, जिससे हमें आइडेंटिटी होगा, मालूम चलेगा कन्फर्म इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको सबके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप एसी टेक्नीशियन न्यू है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकली वीडियो होने वाला है, एक्सपीरियंस नया सीखने वाले हैं। आप देख सकते रहेंगे सक्शन प्रेशर जो हमारा 115 PSI के आसपास में है, डिस्चार्ज यानी लिक्विड प्रेशर जो है 150 PSI शो कर रहा है, बट यहाँ पर सक्शन प्रेशर सक्शन पाइप जो है चिल्ड नहीं है और लिक्विड प्रेशर भी नॉर्मल ही है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम होता है, हमारा सक्शन प्रेशर जो है ज़्यादा शो करता है, डिस्चार्ज प्रेशर तो नॉर्मल शो करता है बट इसमें जो हमारा लिक्विड प्रेशर रहता है तो 150 PSI है, क्योंकि इसमें गैस जो है R22 गैस है। R22 का गैस का जो है नॉर्मल स्प्लिट एसी का 2 टन का स्प्लिट एसी है तो नॉर्मल आपका 60 से 70 लास्ट होना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर जो है 130 से 150 बहुत लास्ट होना चाहिए, बट इसमें गैस जो हमारा ज़्यादा शो कर, प्रेशर जो है ज़्यादा शो कर रहा है, सक्शन प्रेशर जो इसमें ज़्यादा शो कर रहा है 115 PSI के नियर में शो कर रहा है, ये गलत है। इस तरह से शो करता है इसका मतलब हमारा कंप्रेसर का पंपिंग लेस हो सकता है, कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कुछ हो सकता रहेगा, इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरह से अगर है तो सबसे पहले अगर गैस प्रेशर ज़्यादा है तो गैस का प्रेशर जो है हम कम करके चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ब्लॉकेज या फिर कंप्रेसर का पंपिंग लेस हो सकता रहेगा। तो देख सकते रहेंगे यहाँ से हम क्या करते हैं, गैस प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर कम करके हम देखते हैं प्रेशर हमारा कम होता है या नहीं होता है। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो इसका मतलब कंप्रेसर सही है। अगर गैस इस तरह से निकाल करके प्रेशर कम नहीं हो रहा है फिर भी हमारा जो है कितना भी गैस कम कर लेते हैं प्रेशर जो है सक्शन ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं होता है, तो हमारा कंप्रेसर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैस अगर कम हो जाता है तो कंप्रेसर सही माना जाएगा, नहीं कम हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गैस जो है यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हम देख सकते रहेंगे। तो अभी भी हम खोले हैं तो यहाँ पर प्रेशर भी देख सकते रहेंगे क्या शो कर रहा है, बबल आ रहा है, प्लस ऑयल भी आ रहा है, गैस के साथ साथ में ऑयल भी आ रहा है, आप देख सकते रहेंगे यहाँ हम गैस खोल रहे हैं, गैस के साथ साथ में ऑयल भी आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि हमारा एसी कंप्रेसर जो है चालू है, रनिंग कंडीशन में है, आप देख सकते रहेंगे पूरा पाइप के ऊपर आइस फ्रॉस्ट हो गया है, पाइप कड़क हो गया, हार्डनेस हो गया है, क्योंकि आइस जो है जम रहा है, फ्रस्ट हो रहा है। तो ये तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हमें गैस से थोड़ा मोड़ा रहेगा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें गैस निकालना है तो इस तरह से आप करेंगे, साथ में ऑयल भी आ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब एसी चलता है, कंप्रेसर पंपिंग करता है, तो गैस के साथ साथ में कुछ परसेंटेज ऑयल भी आता है, रनिंग होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एसी को बंद करके फिर गैस निकालेंगे। निकालने के लिए देख सकते रहेंगे हमने कवर खोल लिया है, सेफ्टी के साथ आप काम कर सकते हैं, या तो फिर आप नीचे अगर रिमोट से जा करके बंद कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं ब्रेकर से, अगर नीचे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते हैं तो ऊपर से एक आइडिया है, कॉन्टैक्टर का जो क्वाइल आता है CP पावर जिसे आता है वहाँ से हमें निकाल देना है। जैसा कि आप देख सकते रहे हमने यहाँ से यहाँ पर पहले रिपेयर किया हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है तो हम निकाल दिया,
ये वायर जो हमें संभाल के करना है, बॉडी में टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फेस वायर हमने निकाला है, बट इसके क्वाइल से जो है रिटर्न पावर जो है न्यूट्रल हमारा घूम के आएगा, बॉडी में टच हो जाएगा तो MCB LCB कुछ भी है ट्रिप कर जाएगा। वापस देख सकते हैं AC हमारा बंद हो गया, प्रेशर जो है हाई है, नॉर्मल स्टैंडिंग प्रेशर में ये सही है, नॉर्मल स्टैंडिंग प्रेशर इतना रहता है R22 का, बट इसमें जो है गैस हमें कम करना है क्योंकि हमारा रनिंग में भी ऐसा शो कर रहा था, अभी हम गैस में कम करेंगे। AC बंद, कंप्रेसर बंद करने के बाद हम गैस निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसमें ऑयल नहीं आ रहा है, सिर्फ हवा जो है निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हवा है नॉर्मली प्रेशर है वही निकल रहा है, ऑयल नहीं निकल रहा है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो हम वीडियो को थोड़ा कट करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम दिखाएंगे। तो अभी हमने गैस बंद कर लिया है, गैस हमने निकाल दिया है, रिलीज कर दिया, उसके बाद वापस हम AC को ऑन करते हैं। देख सकते रहे हमने ऑन किया, कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया, ऑपरेट हो गया, चालू हो गया और इसको हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे। देख सकते हैं वापस हमने टाइट किया, टाइट करके फिर चालू केयरफुली वर्क करेंगे। अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं मालूम है तो करिए, नहीं तो ये डेंजर हो सकता रहेगा क्योंकि पावर है। चल अभी देख सकते हैं यहाँ चालू हो गया है, चालू होने के बाद जो प्रेशर है देख सकते रहे सक्शन प्रेशर जो है ये अभी डाउन होना चालू हो गया है। देख सकते रहेंगे प्रेशर जो सक्शन प्रेशर है कम हो रहा है, लिक्विड प्रेशर वो भी कम हो रहा है, और हमने चेक किया है यहाँ पर जो सक्शन पाइप है इसके ऊपर भी जो है नमी फ्रॉस्ट होना चालू हो गया है। वीडियो को थोड़ा हमने कट कर लिया था क्योंकि थोड़ा ऑब्जर्व होने में टाइम लगा था। तो आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर जो सक्शन प्रेशर पर भी पाइप जैसे पाइप के ऊपर नमी जम गया, शूटिंग आना चालू हो गया है वाल के ऊपर भी, यानी कि अभी जो है हमारा सक्शन प्रेशर ठंडा हो रहा है, रिटर्न जो है ठंडा आना चालू हो गया है। प्रेशर जो है हमारा अभी 70 PSI, डिस्चार्ज जो है 140 PSI है, ये अभी नॉर्मल चल सकता है और ठंडा कर रहा था। सक्शन प्रेशर थोड़ा और हम बाद में कम कर देंगे चेक करके सही करने के बाद, बट इतना अभी हमको दिखा रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पहले कुछ इस तरह से था, सक्शन प्रेशर जो है ड्राई था, सूखा हुआ था, रिटर्न नहीं आ रहा था, चिल नहीं था, ठंडा नहीं कर रहा था AC। हमने इसमें गैस जब कम किया, गैस कम करने के बाद AC का जो सक्शन प्रेशर है वो रिटर्न चिल होना चालू हो गया, सक्शन पाइप चिल होना चालू हो गया, ठंडा होना चालू हो गया, रूम में भी चालू हो गया ठंडा होना। तो ये वीडियो में हमने यही सीखा समझा, इसका जो है प्रेशर जो है ज़्यादा हो गया था, सक्शन प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा हो गया था जिसके वजह से कूलिंग नहीं प्रॉब्लम हो रहा था, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर सही पंपिंग नहीं कर पा रहा था, पंपिंग बाईपास हो जाता, फेल हो जा रहा था। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर कंप्रेसर का पंपिंग ही फेल होता है अगर प्रेशर ज़्यादा शो करता है। लेकिन कोई भी कारणवश आपका गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, या कोई ठंडी में गैस चार्ज कर दिया है, या AC में सिस्टम में आइस कभी आया रहेगा वो कंडीशन में गैस चार्ज कर दिया जाएगा तो गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसी AC के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ रहेगा। तो हमने गैस कम कर दिया, प्रॉब्लम इसका यही था। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला रहेगा, अगर आपको कुछ जानकारी मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे आप वीडियो नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें जिससे और लोग का नॉलेज मिल सके, नए लोग का हेल्प हो सके, क्योंकि इस तरह से वीडियो इंस्टीट्यूट में कहीं पर कोर्स नहीं कराया जाता है। और ये वीडियो जो है आप कहीं पर सोशल मीडिया पर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी शेयर जरूर करें जिससे नए टेंशन नए लोग का हेल्प जरूर हो। ये वीडियो का आप फीडबैक जरूर दें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।